बेलाय बेलाय खन फुंखा हम जत प्रेस मीडिया फायमा जा फनेर ना आं पाइफले हम बाय ते खुलुमैया फरो आ जोंतिनि कैसा प्रेस मीटिंग कलमा खायका जेहेतु चिनि तिरप्रा हासेव फातारहानि बडोलेननि हरसा चिनि नगराय जोंबाय सालनै निसिमि जोंबाय चिनि हास्टेनो ब सिनामु जुगै फायै बेराय तमा बागै बतिनि चिनि बुसकांगो लगिन आसुजा बुनि बुमं बरम गोनां कास्टम बसुमातारि खरगसा ब बडोलेननि बेलेखिनो टांक्राक वारियर्स आपसुनि एक्स असिस्टेन्ट जेनेरल सेक्रेटारि ताबुक प्रेजेन्टलि ब जयेन्ट सेक्रेटारि आसाम जातीय परिषद पार्टीनि थांनायो बरंनि पार्टी कोटाल संसामनि आगुल आसाम जातीय परिषदनि ब जयेन्ट सेक्रेटारि अपुष्ट ब सामुखाय दं ताबुक एन्ड चिनि लगे दङ चिनि बरम गोनां पिटर देबर्मा चिनि दिप्रा मथानि वारियर्स तै लगे दङ चिनि बरम गोनां दा डेभिड मरासिं बभानि चिनि दिप्रा मथानि खरगसा टांक्राक आदम इंके आं ताबुक साना नायबा खायसि जे चिनि ताखुब गेस्ट बडोलेन्डनि फायनाय बुनि खुबटे जों खिसा कक होनाय नालाय जेहेतु बुनि कैसा मेसेज दङाय चिनि तिरपुरा हास्टेनो दैयै नमस्कार मेरा नाम कास्टम बसुमतारि मैया जातीय परिषदका जयेन्ट सेक्रेटारि हुँ सो धन्यवाद सदागर कालैजि मेरा दोस्त और धन्यवाद डेभिड जी और धन्यवाद पिटर जी मैं जो 23 आप लोग का काउंसिल का फाउंडेशन डे था वहाँ में मुझे महाराजा ने बुलाया था और आकर बहुत अच्छा लगा और देखो हम लोग जो ट्राइबल है असम मैं असम का हूँ और पहले मैं ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन वहाँ का मैं असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी था और जो ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन जो आप लोग सभी को मालूम है हमारा 2020 में BTR एकॉर्ड हुआ ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन और NDFB नेशनल डेमोक्रेटिक ऑफ बोडोलैंड और एक PJSCN बोल के एक संगठन था और इसके बाद असम गवर्नमेंट और इंडिया गवर्नमेंट की जो BTR एकॉर्ड हुआ था तो उसको बहुत बोडो जाति और असम की बहुत जाति जनजाति उन लोगों ने सपोर्ट भी किया और जो NDFB का जो लॉन्ग ईयर जो आर्म्स मूवमेंट था अभी वहाँ ख़त्म हो गया तो वहाँ का लोग बहुत पीस आता है डेवलपमेंट्स आता है इसलिए वो एकॉर्ड को सभी वेलकम किया लेकिन जब कोकराझार में एकॉर्ड की बात प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आया था उधर कोकराझार में और अमित शाह भी आया था उन लोग ने वादा देकर गया कि एकॉर्ड का जितना भी दफा है क्लोजेस है विथिन 6 मंथ वो इम्प्लीमेंटेशन होगा जैसे ईस्टर्न साइड में जो BTR में अभी पहले 4 डिस्ट्रिक्ट था कोकराझार चिरां बक्सा उदालगुरी अभी 5 डिस्ट्रिक्ट बना दिया वो बक्सा को ही तमुलपुर डिस्ट्रिक्ट बना दिया बक्सा डिस्ट्रिक्ट में तमुलपुर सब डिविजन था उसको सब डिविजन को नया डिस्ट्रिक्ट बना दिया लेकिन बाहर का जो एरिया है इंक्लूड होने होना चाहिए था जैसे सोनितपुर और विश्वनाथ में जो उधर BTR में आना चाहिए था विथिन 6 मंथ जो BTR एकॉर्ड में जो 3.2 जो क्लोजेस है जो वो भी होना चाहिए था और जो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर भी बोला था कि विथिन 6 मंथ उसको कर देगा और उसको करने के लिए कमिटी भी एक बनाया और यहाँ EFSU का भी एक रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है और BTR गवर्नमेंट का भी है और BTR गवर्नमेंट का जो सेक्रेटरी वहाँ का मेंबर है वो विथिन 6 मंथ वो क्लोजेस्ट इम्प्लीमेंटेशन होना था लेकिन अभी तक 2 साल जैसा हो गया नहीं हुआ वहाँ का जो विश्वनाथ और सोनितपुर का जो बोडो जनता लोग है बहुत नाराज पर है और इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लोजेस्ट था 6.3 जैसा अमरुल का बोडोलैंड में जैसा बोडो डिपार्टमेंट है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्लास 1 से क्लास 10 तक और कॉलेज लेवल में सब्जेक्ट है MIL मदर टंग सब्जेक्ट है तो जितना भी BTR एरिया में 6 डिजिटल एरिया में हो वो बोडो मीडियम हो या आसामिस मीडियम हो वो प्रोविंशलाइज होना चाहिए प्रोविंशलाइज गवर्नमेंट ने उसको तीसरा लोगों को सैलरी देना पड़ेगा उन लोग प्रोविंशलाइज होने से तो वो क्लोजेस्ट 6.3 वो भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ उन लोग बाधा जब एकॉर्ड हुआ तो बाधा किया था कि विथिन 6 मंथ करेगा लेकिन अभी तक वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ तो वहाँ का जो टीचर लोग है वहाँ का जो जनता लोग है अभी BJP गवर्नमेंट से बहुत नाराज है
इसी और जो लॉन्ग ईयर्स 34 ईयर्स हो नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड उन लोग ने जो आर्म स्ट्रगल किया, उन लोग ने कभी कई म्यांमार में था, कई उधर बांग्लादेश में था, लेकिन वो एकोर में सब आया आर्म्स ग्रुप, वो चाहे गोविंदो का ग्रुप हो या धीरेन ग्रुप हो या जो सौरेग्रा ग्रुप हो, उन लोग साथ में आया एकॉर्ड किया। लेकिन इन भी लोगों का जो रिहैबिलिटेशन मिलना था जो वगैरह हेल्प, वो अभी तक इंडिया गवर्नमेंट में अभी तक उन लोग को रिहैबिलिटेशन नहीं दिया। और जो जिसका भी केस हो वो केस को विथड्रॉ करना था, बाधा किया कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में जितना भी है एनडीपी का केस उसको विथड्रॉ करेगा, लेकिन अभी तक विथड्रॉ नहीं किया। तो इसीलिए मैं आपके चैनल की तरफ से मैं बोलना चाहता हूँ कि जो बीटीआर एकॉर्ड है उसको तुरंत असम गवर्नमेंट और इंडिया गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेशन करूँ, क्योंकि आप लोग बाधा दिया था। और जो नरेंद्र मोदी कोकराझार में आके वो बोला था कि 1500 करोड़ पैकेज देगा बीटीआर गवर्नमेंट को, वो 1500 करोड़ भी विद इन 6 मंथ देगा बोला था, अभी तक नहीं दिया। तो और जैसा NIT इंस्टीट्यूशन मिला अकॉर्डिंग टू दैट एकॉर्ड की वजह से, और CIT NIT जो NIT जो इंस्टीट्यूशन वो अभी तक भी नहीं बना, और मेडिकल जो कॉलेज है, और जैसा हम लोग का बोडोफा फादर ऑफ द बोडोस बोडोफा ऑफ इंडो नाम की नाम पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी वो क्लोज एकॉर्ड में है, वो ये चीज अभी तक नहीं हुआ। इसलिए इस मन से हम लोग असम गवर्नमेंट और इंडिया गवर्नमेंट जो भी है बाउंड्री एक्सटेंशन NDP का केस और 6.3 जो बेंसर स्कूल प्रोविंशलाइज होना जो करेगा बोल के जो वादा दिया था और जो एकॉर्ड में भी है वो होना, तुरंत इंडिया गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंटेशन करो और जैसा वादा किया था वो वादा को आप लोग निभाओ। लेकिन अभी देखो असम में असम गवर्नमेंट में BTR एकॉर्ड होने के बाद अभी हमारा ही एक रीजनल दल है और स्टेट गवर्नमेंट में BJP के साथ अलायंस है, जो हिमंत बिश्व शर्मा लोग सभी जानता है, आप लोग भी जानता है, वो बहुत पावरफुल चीफ मिनिस्टर है, नेडा का भी वो पहले प्रेसिडेंट था। लेकिन जो हिमंत बिश्व शर्मा का जो नीति है वो एंटी ट्राइबल रोल ले रहे हैं। असम में क्यों हुआ, गुवाहाटी पहले एक ट्राइबल लोगों का एरिया था, लेकिन वो वहाँ में जो हिमंत बिश्व शर्मा है वो चुनाव के पहले बोला था कि ट्राइबल लोग सन ऑफ द सॉइल है, उन लोग इंडिजीनियस है, उन लोगों को कोई भी वहाँ से एलेक्शन कर नहीं सकता है बोल के। लेकिन इलेक्शन के बाद हेमंत बिश्व शर्मा ने जो गुवाहाटी सिटी को एक्सटेंशन बड़ा बनाएगा बोल के वहाँ का जो ट्राइबल है बोडो हो टीवा हो या राबा हो जो भी हो उन लोग के घर के ऊपर में बुलडोजर चला दिया, और अभी उन लोग होमलेस हैं, उन लोग अभी लैंडलेस हैं, उन लोग का बच्चों का स्कूल में जाना, उन लोग का खाना बहुत तकलीफ हो रहा है। इसीलिए जो हेमंत का जो नीति है, मैं आज इस प्रेस में नीचे असम गवर्नमेंट जो लैंडलेस है उन लोग को रिहैबिलिटेशन रिप्लेसमेंट करना चाहिए, रिप्लेसमेंट उन लोग को जो लैंड गया उसको लैंड देना चाहिए, और जिसका भी घर बुलडोजर से टूट गया उसको घर गवर्नमेंट बना के देना चाहिए, क्योंकि हम लोग सन ऑफ द सॉइल है, हम लोग को वो ज़मीन में हम लोग पहले आया। इसीलिए जो किया जो असम का चीफ मिनिस्टर वो एंटी ट्राइबल रोल ले रहा है, और जो एंटी ट्राइबल रोल ले रहा है उसकी वो दूर में रहना चाहिए, असम को डेवलप करना चाहिए, असम का जितना भी समस्या है ट्राइबल लोगों का और असम का इंडिजिनियस लोगों का उसका समस्या सोल्यूशन करना चाहिए। तो मैं त्रिपुरा में जो ट्राइबल एरिया जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो फाउंडेशन डे है 23 अगस्त को जो हो गया वहाँ में आकर बहुत अच्छा लगा, और जो त्रिपुरा मोताक है और जो हमारा जो महाराजा की नेतृत्व में जो काउंसिल में सरकार चल रहा है, तो लास्ट 23 अगस्त में जो काउंसिल 28 एरिया में अपना अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक फाउंडेशन प्रोग्राम हुआ था, मे बी अम्फाई ओमपी कॉन्स्टिट्यूशन में जो यहाँ का रिप्रेजेंटेटिव है MDC है सोडागर जी उसके कॉन्स्टिट्यूशन में गया, और वहाँ जो IPFT का जो मेंबर है BJP का मेंबर है मोर देन 347 उन लोग ने ज्वाइन किया जो महाराजा के नेतृत्व में और त्रिपुरा मोताक में। तो हमारा उधर लोग कोई ऐसा अफवाह फैलाना चाहता है कि ये कैसा है कैसा हो गया, तो जो लोग जो लास्ट 23 अगस्त में फाउंडेशन डे में डिफरेंस 28 कॉन्स्टिट्यूशन में जो मीटिंग हुआ था फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन वहाँ में टोटल 6500 जो BJP का कर्मकर्ता है और लोग जो वर्कर है आकर त्रिपुरा मोटाक में ज्वाइन हुआ,
तो इसके वो इसका जो लीड ले रहा था हमारा सौदागर जी और हमारा देवीत जी और हमारा पाथर जी, उन लोग अच्छा से बोल पाएगा। तो मैं अभी उसकी उस मित्र में हमारा सौदागर जी को बोलने के लिए अनुरोध करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारे गेस्ट बोडोलैंड से आए हुए कस्टम बसुमतारी जी को, असम में जो अभी जो मैसेज बीजेपी की तरफ से, जो गोडी मीडिया की तरफ से जो फैला जा रहा है कि ये त्रिपुरा में जेपी नड्डा जी आ रहा है, त्रिपुरा में बड़े बड़े सेंट्रल लीडर आ रहे हैं, तो यहाँ का बीजेपी बहुत स्ट्रांग है, यहाँ पे बीजेपी बीजेपी का ही ज़्यादा स्ट्रेंथ है, त्रिपुरा पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी को हरा नहीं सकते, ऐसा एक मैसेज फैला जा रहा है। मैं इस बात पे यही बोलना चाहूँगा, जो लास्ट 23 अगस्त हमारा TTIDC फाउंडेशन डे था, उस दिन हमने हमारा पार्टी ने हर सब डिवीज़न पे हमारा जो मांग है ग्रेटर त्रिपुरालैंड, इस मांग को लेके मास गैदरिंग, मास रैली और मास डेप्यूटेशन किया है। उसी बीच उसी दिन हर सब डिवीज़न में कहीं पे 200 फैमिली, कहीं पे 300 फैमिली, कहीं पे 50 फैमिली, ऐसे करके त्रिपुरा मोथा पे हमारा पार्टी पे बीजेपी और IPFT से ज्वाइनिंग किया। खासकर उस दिन सबसे बड़ी बात यह था कि जो हमारा TTIDC का ऑपोजिशन लीडर बीजेपी से जीत के वो ADC पे TTIDC पे ऑपोजिशन लीडर जो ऑपोजिशन बन के हमारे साथ काउंसिल में जो विरोध हो रहा था, जिसके साथ हम हमेशा काउंसिल का सेशन पे एक माहौल जो अनसुइटेबल माहौल जिसके साथ बन जाता था, वही इंसान, वही शख्स, वही लीडर, बीजेपी का लीडर उसी टेस्ट अगस्त के दिन एक बड़ा रैली के माध्यम से 6,500 वोटर लेकर ज्वाइनिंग किया त्रिपुरा मोथा पे, और उसी दिन हमारा महाराज जी ने उनको वेलकम भी किया। वही रैली पे हमारा महाराज भी था, और इस न्यूज़ को लेकर झूठ साबित करने के लिए बहुत सारे बीजेपी का जो गदी मीडिया है वो न्यूज़ फैला रहे हैं, लेकिन ये बहुत मैं जेन्युइन आपको बात बोलना चाहते हैं, ये सच बात है। सिर्फ उसी रैली पे 6,500 वोटर ज्वाइनिंग किया, हमने पूरा 28 कॉन्स्टिट्यूएंसी जितना भी सब डिवीज़न पे ज्वाइनिंग प्रोग्राम हुआ उसका कोई कैलकुलेशन नहीं किया। अभी उस दिन जितना भी ज्वाइनिंग प्रोग्राम हुआ इन सब को कैलकुलेशन करने से अराउंड 10,000 वोटर्स हमारे पार्टी पे BJP IPFT छोड़ के ज्वाइनिंग किया है उसी दिन। तो ये बात सच है, और ये इस सच को BJP लोग चाहते हैं कि ये झूठा बना के कोई प्रोपागंडा करे, जैसे कि उनका पार्टी यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांग है, लेकिन इतना स्ट्रांग नहीं है। थैंक यू।